खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके नहायत शुक्रगुजार हैं, आपने इस प्रोग्राम को देखा है और इसे पसंद भी किया है, और आपकी कॉल्स के लिए, ईमेल्स के लिए आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। आज फिर हम इस जून के महीने में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, रूल को जिसके बारे में देखेंगे। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं इन प्यारे लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज एक बार फिर हम तेरे वचन से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हमें लीड कर, हमें गाइड कर, ताकि हम सच्चे वचन को, सच्चे मार्ग को जान सकें, पहचान सकें और सच्चे मार्ग पर चल सकें और दूसरों को भी सच्चे मार्ग के बारे में बता सकें। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूल कुदस, ये हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, मजमून है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि रूल कुदस लोगों को कमीशन करता है। सो कमीशन क्या है? व्हाट इज़ द मिशन? कमीशन का मतलब है कि कोई मिशन है, होली स्पिरिट एक मिशन पर आया है और वो लोगों को कमीशन कर रहा है, भेज रहा है। क्यों भेजता है? हमारे पास जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स हैं, यीशु मसीह के अल्फाज, मत्ती के अंजील उसका 28वां बाब उसकी 18वीं आयत में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो गया, तीसरे दिन अपने शागिर्दों को नज़र आया है, आसमान पर जाने से पहले उसने उनसे एक वादा किया और उन्हें एक काम दिया है कि उस काम को करना है। उस काम की हेल्प करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए रूल कुदस भेजा गया, क्योंकि उसके डिसाइपल्स वो काम नहीं कर सकते थे। मैं वो काम नहीं कर सकता। उस काम को पूरा करने के लिए हेल्पर भेजा गया है, विच इज़ द होली स्पिरिट। और वो काम क्या है? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, 18th वर्स है, मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 28 वर्स 18, मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, मत्ती 28वें बाब की 18वीं आयत, और कहा कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। All the authority in heaven and upon the earth has been given unto me. ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। These are the words of the Lord Jesus Christ after his resurrection. अपने resurrection से पहले उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे। When he rose up again from the dead on the third day, he told his disciples कि अब सारा इख्तियार मेरे पास है। क्यों? पहले किसके पास था? पहले एडम के पास था। एडम से लूसीफर ने, शैतान ने ले लिया, और अब जीसस क्राइस्ट ने दोबारा वो अथॉरिटी अपने पास ले ली है। अब क्योंकि अथॉरिटी जीसस क्राइस्ट के पास है, अब वो कमीशन दे रहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। नेवर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड Go and make Christians, all the nation Christians. ये यहाँ पर नहीं लिखा, लिखा है Go into the whole nations and make them disciples. बस तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको क्रिश्चन ना बनाओ, उनको शागिर्द बनाओ। किसका शागिर्द? आगे पढ़ेंगे। शागिर्द बनाने के बाद क्या को? और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, और उनको ये तालीम दो, एंड टीच देम कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। एंड टीच देम द वर्ड्स आई हैव टॉट यू। डोंट मेक देम क्रिश्चियंस, मेक देम डिसाइपल्स। Because God, Jesus and the Holy Spirit are not Christian. वो मसीही नहीं है।
If you're a Christian watching this program, you might be offended, but that's the truth. God is not a Christian God. Jesus is not Christian. Holy Spirit is not Christian. They are God without religion. That's why I always say, religion will never take you to God. Mazhab aapko kabhi khuda ke paas lekar nahi ja sakta. Because religion is created by man. That's the dictionary in the Oxford dictionary. The word religion means man-oriented ways to God. We don't want man-oriented ways to God. Hamein khuda ke banaye hue raston ke wasile se khuda ke paas, insaan ke banaye hue raston ke wasile se khuda ke paas nahi jana. Hamein khuda ke bataye hue raste ke wasile se khuda ke paas jana. Because man is a sinner. God is sinless. Yahan par likha hai, sab qaumon ko jaakar shagird banao. Unko Christ, ye hai hamara commission. The great commission. So rule ko jis bheja gaya hai, that's why he calls people to do this mission. That's the commission. Then, the Holy Spirit invites people. Rule ko jis logon ko invite karta hai, daawat deta hai. Kis cheez ki daawat deta hai? Revelation chapter 22 verse 17. The Holy Spirit invites people. Kis cheez ki daawat deta hai? The Spirit and the Bride comes, says come. Rooh aur Dulhan kehti hai, aa. Holy Spirit kis cheez ki daawat de raha hai ke aa jao. Khuda ke saath mil jao. Pavitra Atma kya kehta hai? Ke khuda ke saath milaap kar lo. Khuda ke dushman na bano. Apne aap ko khuda se juda na kar do. Khuda ke saath ek ho jao. Ye Ruhul Qudus ki invitation hai. Then the Holy Spirit invites and then Holy Spirit leads. Galatians chapter 5 verse 18. Galatians chapter 5 verse 18. Aap apni Bible mein dekh sakte hain. Galatiyon ke naam Paulus Rasul ka khat uska 5wa bab uski pehli ayat 8vi ayat 5wa bab ki 18vi ayat sorry. Galatians chapter 5 verse 18. Hum padhenge. और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं हो. If you walk by the leading of the Holy Spirit leads people. It will lead you into all truth. It leads. और भी हवाले हैं हम देख नहीं रहे. Romans 8:14 में भी आप देख सकते हैं. Romans 8:14 में. Luke's Gospel chapter 4 verse 1. The Holy Spirit led Jesus into the 40 days fasting. लिखा कि रूह यीशु को जंगल में ले गया. The Holy Spirit lead karta. Phir Holy Spirit comforts karta. John chapter 14 verse 16. Rul Qudus tasalli deta hai. Logon ko aram deta hai. Mere aur aapke alfaz logon ko maar dalte hain. Hamare alfaz kitne bhi achhe ho, kitni bhi vocabulary hamari achhi kyun na ho, logon ko aram nahi mil sakta hamari baaton se. Lekin Rul Qudus waqai logon ko aram deta hai. That's why people they say we don't have peace in our life. Yoga se aapko peace nahi mil sakta. और भी मेडिटेशन से आपको पीस नहीं मिल सकता. पीस मिलता है होली स्पिरिट से. दुनिया की आत्माएं आपको पीस नहीं दे सकती. जो आपको पीस देने वाला है वो होली स्पिरिट है. जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 14 वर्स 16. और मैं बाप से दरखास्त करूंगा. आई रिक्वेस्ट द फादर. वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा. He will send you another comforter. The Holy Spirit comforts. Madad karta hai. Comfortable hai. Comfort deta hai. Taki hamesha tak tumhare saath rahe. Jab tak aap zinda hai. Holy Spirit aapke saath rahega. Aapko comfort deta rahega. Aapke paas paise nahi hai. Aapke paas khana nahi hai. The Holy Spirit will comfort you. Makes a way into your life. Aap dukh mein hai. Aap rejected hai. Aap broken hai. The Holy Spirit will give you peace. Aap suicide karna chahate hai. Holy Spirit will give you peace. You will never commit suicide. आप drugs से peace ढूंढ रहे हैं. Drug का peace कितने घंटों का है? आप alcohol में peace ढूंढ रहे हैं. Alcohol का peace कितने घंटों का है? उस peace के बाद क्या होता है? Headaches, complications, lung disease, kidney failures. लेकिन Holy Spirit
आपको कंफर्ट दे सकता है. आई विल सेंड यू अनदर कंफर्टर. द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रॉमिसेस दैट. एक्स चैप्टर 8 वर्स 13 आल्सो. द होली स्पिरिट हेल्प्स यू ओवरकम इन योर डिफीट्स. रूल कुदस आपको फतह करवाता है आपकी बैटल्स में, आपकी मुश्किलों में आपको फतह बख्शता है. होली स्पिरिट आपको फतह बख्शता है. दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ द होली स्पिरिट. लेकिन वॉट इज क्वेश्चन कम्स, वॉट इज द जेंडर ऑफ द होली स्पिरिट? इज इट मेल और अ फीमेल? द होली स्पिरिट हैज नो जेंडर. इट्स द स्पिरिट. वो ना मेल है ना फीमेल है. बिकॉज गॉड इज ऑल्सो नॉट अ मेल गॉड एंड ही इज नॉट ऑल्सो फीमेल गॉड. गॉड इज गॉड. द स्पिरिट हैज नो जेंडर्स. एनी स्पिरिट विच हैज अ जेंडर इज नॉट अ स्पिरिट फ्रॉम गॉड. कोई भी आत्मा, कोई भी रूह जिसका कोई जेंडर है वो स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं हो सकता. इट्स एन ईविल स्पिरिट. यू हैव टू बी केयरफुल विच स्पिरिट यू आर फॉलोइंग. होली स्पिरिट आपको कंफर्ट देता है, आपको ये नहीं कहता कि मेरे लिए अपने बच्चे को बलि चढ़ा दे, मेरे लिए काली मुर्गी लेकर आ, मेरे लिए काला बकरा लेकर आ, मेरे लिए काला सोना लेकर आ, चांदी लेकर आ. होली स्पिरिट कभी भी आपसे सेक्रीफाइस नहीं मांगता, बल्कि होली स्पिरिट ने जीसस क्राइस्ट को सेक्रीफाइस किया आपके लिए सलीब के ऊपर. हमारा खुदा कभी भी बलियां नहीं मांगता, कुर्बानी नहीं मांगता. वो खुद कुर्बानी देकर चला गया. उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया. आपको मुझे कुर्बान होने की जरूरत नहीं है. आपको मुझे उस सच्चे परमेश्वर को जानने की जरूरत है कि वो है कौन. जब आप उसको जान जाओगे, उसका स्पिरिट आपके अंदर एक ऐसा आनंद बख्श देगा. लिखा है कि एवरलास्टिंग, वो हमेशा तक रहेगा. वो आनंद आपके अंदर रहेगा. आप हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बीमार हो, डॉक्टर आपको देख रहे हैं, आप इतने बीमार हो, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं. जब मैं मेरा स्पाइनल जो प्रॉब्लम हो गया, मेरे आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, अब मुझे भूल गया. डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक, यू नीड सर्जरी. एंड आई वॉज लाफिंग. ही सेड, हाउ क्रूअल मैन यू आर, यू आर इन द 30s, यू हैव स्मॉल किड्स एंड योर वाइफ एंड यू विल बी अनेबल टू डू एनीथिंग. आई वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड ही सेज, दैट्स नॉट गुड, यू आर क्रूअल मैन. आई वॉज, मुझे कोई भी फिक्र नहीं थी क्योंकि होली स्पिरिट मुझे कंफर्ट दे रहा था. आई बिलीव इन गॉड विल हील मी एंड ही हील मी विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन. द होली स्पिरिट कंफर्ट्स यू. आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको आराम दे रहा होगा. लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आपके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आएगा. बिकॉज द होली स्पिरिट विल से टू यू काम डाउन. आपको गुस्सा आएगा ही नहीं. लोग आपके मुंह पर, यही तो जीसस के साथ हुआ, लोगों ने मुंह पर थूका, उसके हाथ बांध कर उसके मुंह पर थूक रहे थे. वो हाथ जिन्होंने मुझे और आपको बनाया है, उन हाथों को बांध कर उसके मुंह पर थूक रहे थे. जीसस नेवर सेड वन वर्ड. आज भी खुदा के लोग जिनके अंदर होली स्पिरिट है, वो लोगों को कभी कुछ नहीं कहते. अगर कोई उनके एक गाल पर मारता है, वो दूसरा गाल भी उसके आगे कर देते हैं. That is the love of God. That's the comfort of the Holy Spirit. रूल कुदस आपको कभी भी गुस्से में आने नहीं देगा, आपको आराम देगा. लोग आपको जूतियाँ मार रहे होंगे, you will be smiling and blessing them. लोग आपको पत्थर मार रहे होंगे, आप उनको बरकत दे रहे होंगे. लोग आपके सामने आपके बच्चों को कत्ल कर रहे होंगे, you will be saying, Father forgive them for they do not know what to do. रूल कुदस के अंदर ये पावर है. होली स्पिरिट हैज पावर बिकॉज रूल कुदस, होली स्पिरिट जो है वो खुदा की जात है एंड ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी. इट हैज द सेम कैरेक्टर्स विच गॉड हैज. नंबर वन, द फर्स्ट
हमने देखा उसके पर्सनल कैरेक्टर्स होली स्पिरिट के क्या हैं, नाउ वी सी द डिवाइन कैरेक्टर्स ऑफ द होली स्पिरिट, के रूल को उसके डिवाइन कैरेक्टर्स क्या हैं, बिकॉज वी सेड दैट होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, इफ इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड इट शुड हैव डिवाइन कैरेक्टर्स लाइक गॉड हैज. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिवाइन कैरेक्टर ऑफ द होली स्पिरिट, दैट द होली स्पिरिट इज इनविजिबल, वो किसी को नजर नहीं आता. इन द बाइबल इट इज रिटन, लूक चैप्टर 24:39, दैट द होली स्पिरिट इज इनविजिबल, रूल को किसी को नजर नहीं आता, बट वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इन आवर लाइफ. जहां रूल को आता है, वी कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, बट वी कैनॉट सी इट. नंबर टू, गॉड इज क्रिएटर, द होली स्पिरिट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ क्रिएशन. जॉब चैप्टर 26:13, इट इज रिटन के उसके दम से आसमान आरास्त हैं, बाय हिज ब्रेथ, उसके दम से, होली स्पिरिट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, उसके दम से आसमान आरास्त हैं. साम 23:6 में लिखा है, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बनाया. एंड ऑल द अर्थ द हेवन इज मेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होस्ट ऑफ द हेवंस आर मेड बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड. जहां पर उर्दू की बाइबल में दम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ब्रेथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इन हिब्रू लैंग्वेज, इब्रानी जुबान में, जो कि बाइबल का ओरिजिनल टेक्स्ट है, वहां पर रुआख लिखा हुआ है, स्पिरिट, होली स्पिरिट. साम 104:30 में लिखा है, ही सेंड्स हिज स्पिरिट एंड वो अपनी रूह को भेजता है और ये पैदा होते हैं और रूह जमीन को नया बना देता है. टॉकिंग अबाउट द वेजिटेशन एंड द ग्रीनरी ऑफ द अर्थ. अय्यूब 33:4 में लिखा है कि खुदा के रूह ने मुझे बनाया, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी. तो दीज आर द वर्क ऑफ क्रिएशन. If God is creator, then the पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, खुद भी क्रिएशन करता है. God is eternal. The Holy Spirit also is eternal. हमने पढ़ा है पहले भी कि वो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा. Hebrews 9:14 में लिखा है कि the eternal spirit, the Holy Spirit is an eternal spirit. It will never die. Because it comes out of God. Anything which comes out of God is eternal. God is eternal. Jesus Christ is eternal. Number four, God is everywhere. मैं हमेशा वो शेर भी सुनाता हूँ आपको गालिब का, कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो. खुदा हमेशा हर जगह मौजूद है, वो यहाँ पर भी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टूडियो में भी, जहाँ कहीं हम हैं खुदा है. And the Holy Spirit is also, it's called in English, omnipresent. We say God is omniscient, सब कुछ जानता है, omnipotent. डिवाइन एब्सोल्यूट पावर है उसके पास. एंड omnipresent, हर जगह मौजूद होता है. दीज आर थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ गॉड. एंड द होली स्पिरिट इज ऑल्सो omnipresent. There आर सेवन कैरेक्टर्स ऑफ द होली स्पिरिट विच आर डिवाइन. सो होली स्पिरिट के जो सेवन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में. Because our time is short, so Holy Spirit is omnipresent. हर जगह Holy Spirit मौजूद है, जहाँ पर आप देख रहे हो. आप खुदा को कह सकते हो, मुझे तेरे पवित्र आत्मा के बारे में बता. पवित्र आत्मा खुद आएगा आपको बताने के लिए. अगर आपके अंदर भूख और प्यास है सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, तो पवित्र आत्मा आप ही के लिए भेजा गया है. लेकिन जब तक मैं अपने रिलीजन के केस में रहूंगा, जब तक मैं क्रिश्चियन रहूंगा, मैं होली स्पिरिट को नहीं जान सकता. बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ रिलीजन. विद द रिलीजन यू कैनॉट फाइंड गॉड. आपके अंदर एक विवेक है, एक जमीर है, कॉन्शियस है, वो डिवाइस है जो खुदा ने आपके अंदर रखी है, जो खुदा के लिए भूख और प्यास रखती है, आपको बोलती है, लेकिन आप उसकी आवाज सुन नहीं रहे, क्योंकि आप
के रीजंस हैं. आई एम बॉर्न लाइक दिस, आई एम बॉर्न इन दिस फैमिली, दिस माई फोर फादर्स आर लाइक दिस. आई कुड हैव ऑल्सो सेड दैट अबाउट माई सेल्फ, बट आई लेफ्ट फॉलोइंग रिलीजन. आई स्टार्टेड फॉलोइंग गॉड. रिलीजन कैनॉट सेव अस. आइए प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, पिताजी, तू सच्चा परमेश्वर है और हम तुझे अपनी अकल से जान नहीं सकते. इन प्रेशस लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, मेरे लव्स इनको कन्विंस नहीं कर सकते. तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ पर है, जहाँ पर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको कन्विंस करे ताकि ये सच्चे परमेश्वर को जान सकें. यीशु के नाम में आमीन. इस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए अगर और आपके दिल में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आज शाम को 2 बजे स्टर्लिंग वर्जीनिया में हमसे मुलाकात कीजिए. आप इस सच्चे परमेश्वर के बारे में और भी जान सकेंगे. शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत दे. खुदा हाफिज़. तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है. तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है. किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है. किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है. यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा. बस साथ तेरा होना. तेरा मांगू ना मोती, ना चांदी और ना सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना. यीशु राजा, मुझ में समा जा. यीशु राजा, मुझ में समा जा. मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ. मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ. यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा. खुशी उसे मिलती तेरे रूह से जो भर जाता, वो फाते गुनाह पे रहता.
सोचों में जो तुझको बसाता, एक अजीब खुशी उसे मिलती तेरे रूह से जो भर जाता, वो फाते गुनाह पे रहता सोचों में जो तुझको बसाता। यीशु राजा आमीन।